In this video, we will discuss about the thermography and seven segment cell. तो सबसे पहले हम thermography देखेंगे. तो thermography technique होती है जिससे हम temperature को record कर सकते हैं skin या फिर human body की temperature को, ठीक है, किसी भी एक graph के ऊपर. और ये जो graph होता है इसको हम thermograph बोलते हैं, मतलब जो graph हमें obtain होगा उसकी temperature recording से उसको हम क्या बोलेंगे, thermograph बोलेंगे. ये thermograph obtain कैसे होगा? तो ये जो helical structure होता है ना collaic liquid crystal का, इसके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने की, जिससे वो अलग अलग कलर के अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग कलर को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है. तो इस वजह से ये थर्मोग्राफ यहाँ पे ऑप्टेन होता है. इन शॉर्ट, अगर हमसे पूछा जाए थर्मोग्राफी होता क्या है, तो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल्स इन विच मॉलिक्यूल्स हैव हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है. तो जो कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल होते हैं जिनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास क्या उनका हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, और उनकी जो पिच होगी वो चेंज होगी टेम्परेचर के चेंज होने के साथ में, और जो वेवलेंथ होगी रिफ्लेक्टेड रेज की वो भी चेंज हो जाएगी अलग टेम्परेचर. अगर जैसे 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 अलग अलग टेम्परेचर आता जाएगा वैसे वैसे जो रेज होंगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती जाएंगी, ठीक है. और इसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, थर्मोग्राफी. थर्मोग्राफी को यूज़ भी बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल का, मतलब जो थर्मोग्राफी होती है वो मेजर यूज़ माना जाता है लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर. और थर्मोग्राफी का यूज़ कहाँ पे होता है, इसका ट्यूमर्स, कैंसर, वेन्स, आर्टरी, इन सबको डिटेक्ट करने में इसका यूज़ होता है, ठीक है. फिर हम बात करेंगे सेवन सेगमेंट सेल की. ये जो सेवन सेगमेंट सेल होता है ये सेवन नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल से मिलके बनता है, और हर एक जो नेमेटिक लिक्विड क्रिस्टल होता है ये इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम लिक्विड क्रिस्टल इलेक्ट्रोड पे बोलते हैं. फिर ये रिस्ट वॉच के अंदर कैलकुलेटर ऑफ डिस्प्ले डिजिट, यानी कि अगर हम वॉच का एग्जाम्पल लें तो कई कबार हम अंधेरे में जाएंगे तो जो वॉच के नंबर्स होते हैं वो चमकते हुए नजर आएंगे. वो किसकी वजह से चमकते हैं, सेवन सेगमेंट सेल से बने होते हैं इसलिए वो चमकते हैं, ठीक है. तो इनमें इनका यूज़ होता है. इसमें एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है लिक्विड क्रिस्टल की जो ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रोड के बीच में प्रेजेंट होती है, और थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करने पे, थोड़ा सा टेम्परेचर देने पे ये जो सेल होते हैं ना ये ग्लो करना शुरू कर देते हैं. इसी को सेवन सेगमेंट सेल बोलते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोग्राफी, सेवन सेगमेंट सेल. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो.